नमस्कार मित्रों, मैं रामचंद्र देवांगन, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं श्रीमान गांधीराम सोनकर जी के सब्जी बाड़ी में पहुंचा हुआ हूं। यहां ये सब्जी बाड़ी के साथ साथ मुर्गी पालन और बटेर पालन भी कर रहे हैं, आज उसी के संबंध में उनसे बात करेंगे। तो चलो मिलते हैं श्रीमान सोनकर जी से। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। जी, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है गांधीराम सोनकर, मेरा निवास है डोंगरगांव, और मेरा जहाँ फार्म है वहाँ बरगांव खापर है जी। आप सब्जी बाड़ी के साथ साथ और क्या करते हैं? मैं सब्जी बाड़ी के साथ साथ अभी इसी महीना, मतलब एक महीना हुआ, बटेर पालन और मुर्गी पालन में आया हूँ। देसी मुर्गी में तो प्रायः देसी है। हाँ। उसके बाद एक और लाया हूँ वहाँ राज करके। हाँ। उसका चालू किया हूँ दोनों का जी। देसी नस्ल के तैयार करने के लिए, देसी अंडे से देसी मतलब चूजा निकालने के लिए हैचरी भी तैयार कर लिया हूँ, हैचरी मशीन। इसी से मैं छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं उसी का निकला हुआ है। तो हैचरी बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है? हैचरी बनाने के लिए डब्बा और हीटर, फैन, ये सब लगता है, और इसमें कंट्रोलर लगता है टेम्परेचर का, उसको अमेजन से मंगाया था, और बाकी पूरा तो मैं अपने घर में ही मतलब तैयार कर लिया। मतलब एक ये से देखा जाए तो श्रीमान सोनकर जी नवाचार कृषक हैं, जो हैचरी का निर्माण खुद किया है, ना कि बाज़ार से रेडीमेड लिया है। तो चलो हैचरी को और नज़दीक से मैं उसका वीडियो दिखाता हूँ कि कैसा रहता है हैचरी। तो ये श्रीमान सोनकर जी द्वारा निर्मित हैचरी है। ये हैचरी थर्माकोल को काट कर ये डिब्बा नुमा करीब 2x1.5 फीट की साइज में बनाया गया है, और ऊपर से ये दिख रहा है ये सेलो टेप लगा दिए हैं ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए। तो इसके अंदर को देखा जाए तो ये नीचे एक लोहे का जाली लगा हुआ है, और ये अंडे को जैसे ये दिख रहा है इस तरह से रखा जाता है। इसमें ये 100 अंडे को एक साथ रखा जा सकता है, और ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है, ये फैन चालू है, और डीसी वाला सिस्टम है, और ये 12 वोल्ट सप्लाई से चलेगा ये फैन, और यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, और ये जो दिख रहा है ये टेम्परेचर सेंसर है, ऊपर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, और ये है टेम्परेचर कंट्रोलर पैनल हुआ है, और यहाँ पर एक लाइट को बंद चालू करने के लिए बटन, और यहाँ पर कांच लगाया गया है ताकि अंदर से ये अंडे रखे हुए हैं उसका मुआयना कर सके। और ये जो वायर जो ऊपर नीचे करता है, ये इसको ये ऊपर नीचे करने से ये अंदर का अंडे जो रखा होता है इस जाली में, वो हिल कर इधर उधर होते हैं, तो इसको हिलाना ज़रूरी रहता है। महंगा चीज़ नहीं लगा हुआ है इसमें, सबसे ज़्यादा महंगा ये टेम्परेचर कंट्रोलर पैनल लगा हुआ है, जो करीब 1000 रुपये में लिया है, और बाकी इसी फैन जो कंप्यूटर का फैन है ये करीब 150 रुपये, और ये लाइट 30 रुपये, और ये 10 रुपये का बटन लगा। गर्मी करने के लिए एक हीटर लगाया गया है, हीटर भी सोल्डरिंग आयरन का कॉइल है, जो कि ये लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये हीटर है, ये 20 रुपये का हीटर हो गया। ये मशीन मात्र 1500 रुपये के लागत से बनाया गया है, जो कि सामान्य मार्केट में रेडीमेड बना हुआ अगर हैचरी खरीदा जाए तो करीब 25 से 30 हज़ार रुपये में 100 अंडे का हैचरी मिलता है, लेकिन श्रीमान सोनकर जी ने मात्र 1500 रुपये के लागत से हैचरी तैयार किया है, और इसमें सफल भी रहा। ये जो छोटा चूजा दिख रहा है ये काले कलर का और ये सफ़ेद कलर का, ये चूजा यही हैचरी से निकला हुआ है। ये बटेर 30 दिन का हुआ है अभी, और इसका वज़न करीब 150 ग्राम के आसपास हुआ है। ये करीब 35 से 40 दिन में ये हो जाता है मार्केट में बेचने के लिए। सबसे पहले श्री सोनकर जी ने ये 15x40 फीट का ये शेड बनाया है, ये ऊपर में टीन छाकर ये जाली लगाकर, और श्री सोनकर जी का उद्देश्य मुर्गी पालन करने के बाद हैचरी से चूजे निकालकर खुद सेलिंग करना है। अगर कोई किसान अगर चाहे
चूजा मतलब लेना चाहे या फैची के लिए मशीन, तो मशीन उसके अनुसार जितना कहेगा उसके हिसाब से बना के हम दे सकते हैं। तो श्रीमान सोनकर भैया का कहना है कि अगर कोई भी किसान अगर बटेर पालन करना चाहे और बटेर का चूजा लेना चाहे तो ये भैया जी के यहाँ उपलब्ध हैं। इसका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं और पता भी दे दूंगा। और अगर हेचरी मशीन जो चूजे निकालने का मशीन अगर लेना चाहे तो बहुत ही कम कीमत पर ये अपने द्वारा बनाया गया हेचरी मशीन आर्डर पर बनाता है और मिल जाएगा कोई भी किसानों को, आप भैया जी से संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।